नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष अनिल मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट में जाकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट चित्रा निर्वाल को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में भूमाफियाओं एवं गौ तस्करों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव पर गत दिनों हमलावरों ने गोली बरसाकर हत्या कर दी थी। इसके कारण पत्रकार समूह में आक्रोश व्याप्त है। इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट ने मांग की है कि पत्रकार की हत्या करने वाले आरोपियों पर रासुका लगाई जाए, मृतक पत्रकार के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए, मृतक पत्रकार के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। वहीं जनपद शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा निवासी पत्रकार मिर्जा फिरोज बेग के घर में घुसे बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन पर भी कड़ी कार्यवाही करने की मांग उठाई गई। जिलाध्यक्ष अनिल मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए जिससे पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न पर लगाम लगाई जा सके। इसकी ओर से हमारे पत्रकार साथियों ने सभी लोगों ने यहाँ जो है एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जो जौनपुर में पत्रकार की हत्या की गई है उन आरोपियों को रासुका लगाई जाए और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हमारे शाहजहांपुर जनपद प्राइम न्यूज के पत्रकार जो हैं कमल सिंह, उनको भी जो है उन्होंने खबर चलाई थी इसकी, चीतर के खिलाफ उनके पुर्जियों ने जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, उस पर भी मांग की गई है उन्हें सुरक्षा दी जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं मीरानपुर कटरा के हमारे जो पत्रकार हैं मिर्जा फिरोज बेग, उनके घर में बदमाश घुसे थे और उनके सीसीटीवी फुटेज भी आए थे लेकिन पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाया। तो हमारी मांग है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और एवं सरकार से मांग यह है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो है लागू किया जाए जिससे लगातार पत्रकारों के फर्जी मुकदमे और उनका उत्पीड़न जो हो रहा है उस पर लगाम लग सके।